अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने बैकग्राउंड कलर के अंदर हम लोगों ने ये आपको HTML की जो थी ना फॉर्मेटिंग लैंग्वेज एलिमेंट्स ये सिखा दिए थे। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे वर्क को। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि टेबल होता क्या है। इसके लिए ओपन कर लेता हूँ अपने पास HTML sub line टेक्स्ट 3। इसको मैं करता हूँ सेव, और सेव करके मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे हम जहाँ पे काम कर रहे हैं इसके, सॉरी यहाँ पे नहीं है, काम कर रहे हैं इस वाले टैग, यहाँ पे आता हूँ मैं और इधर आके मैं इसको करता हूँ सेव। मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ table.html। ठीक है स्टूडेंट, इसको HTML का टैग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेलकम स्टूडेंट टुडे वी विल लर्न अबाउट टेबल टैग यूजिंग HTML लैंग्वेज। अच्छा जी, अब चेक करते हैं इसको बैकग्राउंड कलर करके। ग्रीन येलो कलर यहाँ पे आते हैं, देखते हैं आया टेबल का टैग आ चुका है। ओपन करते हैं, ये कलर आ गया हमने ग्रीन येलो टैग। हेडर 4 लगाते हैं और इसके अंदर इसी वाले को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, क्योंकि इसी में हम लोगों ने काम करना। देखते हैं हेडर लग गया, आ चुका है जी। अब हमने बनानी है टेबल, मैं बनाता हूँ यहाँ पे टेबल TABLE टेबल टैग स्टार्ट टेबल टैग क्लोज। इसके अंदर हम लोगों ने बनाना होता है TR टैग TR क्लोज, ये होता है हमारी रो के लिए और ये होता है हमारे कॉलम के लिए TD। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश कर। अब स्टूडेंट आप लोग ये सोचेंगे कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इतना टेबल बना के भी हमने लिखा तो सिंपल हमारे पास वर्डिंग ही आई है, वर्डिंग के अलावा तो कुछ नहीं आया। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं अब आपको चीज़ों को सिखाता हूँ। टेबल के अंदर आते हैं, इसको मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर करते हैं, और बैकग्राउंड कलर कौन सा करते हैं, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज करते हैं ऑरेंज। ये देखते हैं कलर किया, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आ चुका है। अब मैं कहता हूँ इसकी जो हाइट है, हाइट वो कंट्रोल कर दें 600। ठीक है, एक एक चीज़ साथ लेके चलेंगे। अब इसकी स्टूडेंट हाइट इंक्रीज हो चुकी है, जितनी हम लोगों ने इसकी बोला था 600 हाइट उतनी हो चुकी है। अब मैं इसकी विड्थ को कंट्रोल करता हूँ, अब इसकी विड्थ को मैं कहता हूँ कि 900 हो जाए। अब इसकी विड्थ ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हो चुकी है। अब मैं कहता हूँ इसमें एक इसके साइडों पे एक बॉर्डर लगा दो 10 पिक्सल का। अरे भाई नहीं, हमने बाय करना, क्यों बाय करें, फ्री में काम नहीं चल रहा क्या? अच्छा जी, 10 पिक्सल का बॉर्डर लगा दो। ये साइडों पे अब 10 पिक्सल का बॉर्डर आ चुका है। अब मैं कहता हूँ कि बॉर्डर का कलर भी कर दो। मैंने इसको बोला है कि बॉर्डर का कलर रेड कर दो, अब वो रेड हो गया। अच्छा जी, अब हमने करना है क्या जी इसके अंदर, नहीं जी इधर आते हैं TD के अंदर। अब मैं TD के अंदर आके भी चीज़ों को कंट्रोल करता हूँ, इसको कहता हूँ कि BG कलर इसमें भी कर दे। देखिए कहाँ कहाँ तक हम BG कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, येलो कर दें सिंपल। अब ये बैकग्राउंड क्या हो चुका है जी, येलो हो चुका है। अब मैं करता हूँ ये TD को यहाँ से लेके यहाँ तक करता हूँ कॉपी और पेस्ट करता हूँ 1 2 3 4 जहाँ तक आप लोग इसको स्टूडेंट कर सकते हैं पेस्ट करने, इसमें कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी है। और ये देखें ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब इसका जो फ्रेम है ना वो इंक्रीज हो चुका है। अब फ्रेम
मैं आता हूँ अपने यहाँ पे, अब कलर करता हूँ इनको, येलो कलर किया, पर्पल कलर करता हूँ, देखते हैं कलर चेंज होता है। ओके स्टूडेंट्स, ज़्यादा इनसे हमने पेस्ट कर दिए, थोड़ा सा यहाँ से कम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, येलो के साथ ग्रीन कलर पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ये कलर हुआ हमारे पास, ये कलर हो चुका है, फ्रेम भी कम हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसके साथ ग्रीन लगा देते हैं, कलर तो कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, पिंक कलर लगाते हैं। इससे स्टूडेंट में आप सबके कलर चेंज कर सकते हैं। पिंक के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कहता हूँ लाइट पिंक कलर करते हैं। अब ये इससे भी थोड़ा सा मध्यम कलर कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कहता हूँ हॉट पिंक कलर करते हैं। अब ये हॉट पिंक कलर कर दिया। इस तरह हम सबके कलर चेंज कर सकते हैं, जहाँ चाहें सबके कलर चेंज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये टेबल में यूज हो रहे हैं अभी कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर भी हो गया। अब स्टूडेंट मैं चाहता हूँ इसकी जो हाइट है ना वो थोड़ी सी कम कर दें, हाइट बहुत ज़्यादा की हुई है हमने, हाइट 300 कर देते हैं और देखते हैं क्या फर्क आता है। ये हमारे पास 300 तक इसकी हाइट आ चुकी है, और मैं अब इसमें और चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ। अगर हम इसकी हाइट ख़त्म कर दें खुद पर खुद, हाइट और बॉर्डर और बॉर्डर कलर। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट यहाँ पे ऐड करते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये सेंटर में है, तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया एलिजेंट का टैग लगाना। एलिजेंट टैग लगा के कहता हूँ सेंटर। अब यहाँ पे ये आ गया जी सेंटर में। अब ये वाले भी सेंटर में है स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि ये टॉप पे चले जाए या बॉटम पे चले जाए, यहाँ पे आके हम कहते हैं एलिजन सेंटर। ये एलिजन सेंटर बोला, ये देखिए ये वाला जो था ये स्टार्ट से शुरू हो रहा, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट होना शुरू हो गया। अच्छा, सेंटर की बजाय अगर मैं इसे बोलता हूँ कि टॉप पे चले जाए तो नहीं जाएगा, इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है एक और टैग, वो होता है वी एलिजन। सिंपल वी लगा देना है, रिफ्रेश करना है, ऊपर मूव हो गया। मैं चाहता हूँ ऊपर की जानब की जाए, ये बॉटम में जाए, देखते हैं जी ये बॉटम में जाता है कि नहीं, ये बॉटम में चला गया। अब इस तरह स्टूडेंट इसको टॉप पे बॉटम पे आप जहाँ चाहें इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा, कभी से आगे इंशाल्लाह मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी कन्फ्यूजिंग हो, कोई भी मसला मसायल हो, आप मुझे कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसमें मैं आपको वो चीज़ सिखा दूंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ। तो ये तो मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा कलर, ताकि थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।